हाँ सर, आज कोरोना को लेकर कुछ मार्गदर्शन, सर कैसी तैयारी है मतलब? कोरोना की चीन चाइना में जैसे केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस कारण से भारत शासन के निर्देश अनुसार हम लोग भी अपनी कोरोना से बचाव और उसके इलाज के लिए एक मॉकड्रिल कर रहे हैं। और उस मॉकड्रिल में हम अपनी व्यवस्था देखेंगे कि कितने मरीजों का हम उपचार यहाँ पे कर सकते हैं, उनके भर्ती की व्यवस्थाएँ, कोई वेंटिलेटर है कि नहीं, दवाइयाँ हैं कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, ये सब आज मॉकड्रिल में किया जाना है। इसके लिए हम लोग अभी थोड़ी देर में मॉकड्रिल करेंगे। सर जैसे पिछली बार शायद सेकेंड उसमें वेव में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इस बार जी ले कैसे तैयारी है जैसे नहीं, अपनी? इस बार हमें हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे अच्छा पास तीन अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन प्लांट हैं और एक ऑक्सीजन प्लांट में 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है। ऐसे दो 1000 1000 लीटर वाले दो हैं और एक 850 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट है, इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी इस बार नहीं होने वाली। बेड की पूरी व्यवस्था बेड की पूरी व्यवस्था है। हम लोग हमारे एक पूरा थर्ड फ्लोर हम लोगों ने आरक्षित करके रखा हुआ है कोविड के मरीजों के लिए, और उसमें हम लगभग लगभग 300 250 से 300 मरीजों का भर्ती करके उपचार कर सकते हैं। 20 बिस्तर का हमारे पास आईसीयू भी है जिसमें वेंटिलेटर व जो आवश्यक जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ वगैरह लगती हैं उसका हम लोग उपयोग कर सकेंगे। शुभ नाम। डॉक्टर पवन जेठानी, प्रभारी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, राजनांदगांव। कैसी तैयारी कोविड की? कोरोना के संबंध में जो सेंट्रल से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज जो है उसके संबंध में मेडिकल कॉलेज पेंड्री राजनांदगांव में इसके मॉकड्रिल उसके संबंध में आवश्यक तैयारी के संबंध में मॉकड्रिल किया गया। हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रोफेसर और SDM सभी और स्टाफ जो है साथ में आज जो है यहाँ की आवश्यक तैयारी के संबंध में हमने जायज़ा लिया है। मेडिकल कॉलेज में 246 बेड जो है आज के डेट में अप टू डेट है। सारे ऑक्सीजन बेड जो है तैयार है कोरोना के उसमें तैयारी के संबंध में, ICU बेड, ICDU बेड, नॉर्मल बेड सभी जो है फंक्शनिंग है। और हमारी जो है तैयारी है ना कोरोना के संबंध में पूरी अप टू डेट तैयारी है। ऑक्सीजन की जो तैयारी है सभी 1000 के जो प्लांट लगे हैं वो भी तैयार है, और बाकी जितने भी फंक्शनिंग जितने भी हमारे जंबो सिलेंडर है ना वो सारी तैयारी हमारी मेडिकल कॉलेज में है। इसका आज हमने जायज़ा किया है और जो छोटी मोटी तैयारी जो है उसको पूरी कर लेंगे।